आसीन से। आसीन से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी संपत्तियों को निजीकरण करने के लिए विरोध में यूथ कांग्रेस के बैनर तले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। आसीद कस्बे के गांधी चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यूथ कांग्रेस के बैनर तले एवं राहुल गांधी के आह्वान पर यूथ कांग्रेस के दाऊद राजा शेख के सानिध्य में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दाऊद राजा शेख ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश की सरकारी संपत्तियों का निजीकरण किया जा रहा है, जिसमें एयरपोर्ट, सड़क, रेलवे स्टेडियम को निजी लोगों के हाथों में सौंपने के विरोध में यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय नेतृत्व में के निर्देशन में हर जगह इसका विरोध प्रकट कर रहे हैं। इसी के तहत आसीद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी लोग कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। वहीं इस मौके पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष तेजमल रागा, यूथ कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता दाऊद राजा शेख, राधे श्याम सेन, मदन लाल मेघवाल, एनएसयूआई प्रदेश सचिव पप्पू लाल गुर्जर, रामेश्वर लाल रेगर, कांग्रेस कार्यालय प्रभारी जगदीश शर्मा, भरत मेघवाल, फौजी राम भील, गोपाल लाल गुर्जर, सैफ अली शेख, नारायण गुर्जर और कई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश का पीएम सेलर है, सेलर है, सेलर है। नरेंद्र मोदी सेलर है, सेलर है, सेलर है। देश का पीएम सेलर है, सेलर है। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और नरेंद्र मोदी के द्वारा देश की संपत्तियों को, जैसे कि एयरपोर्ट, रेलवे, स्टेडियम, सड़कों को जिस तरीके से बेचा जा रहा है, उसी के लिए आज हमारे शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार राहुल गांधी जी के आह्वान पर हम लोग कांग्रेस कार्यालय पर इकट्ठे होकर यूथ कांग्रेस के बैनर तले नारेबाजी करके विरोध।